बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करके। हाँ जी दोस्तों, आज हम आए मोहाली में। मोहाली में मैम खिला रहे हैं बहुत ही जबरदस्त 5-स्टार होटल का फूड। हाँ जी नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार जी। मैम ये बात सच है कि आप 5-स्टार होटल वाला खाना आप रोड पर खिला रहे हैं? हाँ जी, मैंने 2 इयर्स जेम्स प्लाजा वालों को खाना दिया है। पहले मैं हयात में फूड देती थी 2 इयर्स। अच्छा जी। हाँ। तो मैम आप हयात में जॉब करते थे? नहीं सर, मैं उनको घर से ही खाना बना के देती थी। अच्छा जी। 2 इयर्स मैंने उनको घर से ही बना के दिया है। तो मैम ये कैसे, मतलब घर से कैसे सिस्टम रहता है? उनका किचन ओपन नहीं था तो उन्होंने कहा, फिर मेरा और उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी। उन्होंने कहा कि 2 इयर्स आप मुझे दे सकते हो फूड। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, तो मैम कॉन्ट्रैक्ट कैसे फाइंड आउट करा उन्होंने आपको? जैसे टिफिन के इससे हिसाब से किया है जी। जी जी, एक टिफिन पर टिफिन के हिसाब से। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया? हाँ जी। अच्छा जी, अब नहीं उनके साथ कैरी ऑन रहता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, उनके बस अब ऑर्डर मिलते हैं कभी रोटियों के जी, जैसे उनके वहाँ पे कोई फंक्शन होता है जी जी, तो मैं घर से रोटियां बना के देती हूँ। तो मैम आपके हाथों में कुछ स्पेशल जादू है, वो जादू और जायका दिखाएंगे मैम कैसा रहता है। हाँ जी, क्या क्या लेके आते हैं आप घर से? राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, वेज बिरयानी है जी, रायता है जी। हाँ जी। तो मैम राजमा चावल और कढ़ी चावल तो मैम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में हम दुनिया खिला रही है, पर आपके क्या स्पेशल रहते हैं ये बताइए? बस स्वाद है, एक आप खाइए और खा के देखिए। अच्छा जी, हम दिखाएंगे पर यहाँ से। हाँ जी, ये लो जी, ये राजमा आ जाएंगे गर्मा गर्म। चित्री राजमा रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, चित्री राजमा है। अच्छा जी मैम, ये फूड कलर तो नहीं डालते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। अच्छा जी, ये कड़ी है, ये कड़ी पकौड़ा है। कड़ी किसकी, दही की लस्सी की? लस्सी की। लस्सी। हम पकौड़े किसकी रहते हैं? पकौड़े सिर्फ अनियन के। अनियन के, क्या बात है जी। और राइस है? वाह वाह वाह, क्या बात है मैम, ये राइस तो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है ना? हाँ जी बासमती राइस। क्या बात है मैम, ये जीरा राइस रहते हैं? हाँ जी जीरा राइस। और ये वेज बिरयानी है मैम, ये तो किस्मत खराब थी कि आज खत्म हो गई बिरयानी है ना। हाँ जी। तो मैम ऐसे कौन से मतलब मसाले रहते हैं, कुछ खास तो रहते होंगे जो उन्होंने 2 साल कंटिन्यू रखा आपके साथ और कैरी ऑन रखा, उसके बाद भी आप मतलब उनको फूड डिलीवर करते रहते हैं? माँ के हाथ का प्यार है बस। क्या बात है जी। तो मैम क्या क्या प्राइस रहता है जी इसका? 30 की हाफ रहता है जी, और 50 की फुल रहती है। 50 की फुल। वेज बिरयानी 40 की हाफ जी, और 70 की फुल। तो मैम प्लेट कौन सी रहती है? ये वाली हाफ प्लेट ये है जी। जी जी जी, और फुल ये। अच्छा जी, और मैम कैसे मैम सोचे आपने, थॉट कंसेप्ट आइडिया कैसे आया आपके माइंड में, स्टक कैसे हुआ ये कि स्ट्रीट पर खड़ना मतलब बहुत इजी नहीं है? मेरी एक फ्रेंड है जी रिया, उन्होंने बोला कि मतलब आप ये काम करो, आपके हाथ को में अच्छा है खाना जी, बनाते हो आप जी, जी जी जी, तो देखो ये काम बहुत अच्छा चलेगा जी जी जी। तो मैंने कहा चलो। तो हम कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? अभी तो 10 डेज हुए हैं यहाँ पे। 10 डेज हुए हैं। हाँ जी। तो मैम लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे। एक मैम मिक्स भी मिलती है आपके पास? हाँ जी मिक्स मिलती है जी। मैम हाफ प्लेट लगाना मिक्स, उसमें सारा टेस्ट करना चाहते हैं। राइस आ जाएगी मैम, थोड़ी सी वो भी डाल देना बिरयानी। हाँ जी, थोड़ा डालना मैम, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये लो जी बिरयानी आ जाएगी, बस बस मैम सफिशियंट है जी। मैम नॉन वेज भी बनाते थे वहाँ पर? हाँ जी भैया, नॉन वेज भी। तो मैम नॉन वेज का सोचा आपने यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी बनाने नहीं देंगे ना, गुरुद्वारा है ना यहाँ पे। जी 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 जी। तो ये कड़ी वैसे अगर कोई स्पेशल ऑर्डर होगा तो जरूर बना के। जी जी जी। तो मैम मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहोगे यूथ को आप, बीइंग अ लेडी या वर्क कर रहे हैं स्ट्रीट पर? हाँ जी। हाँ जी, आप आइए और एक बार खा के देखिए। वो तो ठीक है मैम, अपने एंड से क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करके खा रहे हैं जी। तो मैम इजी रहता है स्ट्रीट पर खड़ना और काम करना, क्योंकि पहले आप घर पे करते थे वर्क फ्रॉम होम? बट थोड़ा सा आप मेहनत कर रहे हैं, देखो क्या होता है। जी जी। हाँ जी दोस्तों, तो मोहाली आए थे 3B2 में मैम के पास। मैम हयात में मतलब क्लाउड किचन चलाते थे, वहाँ से खाना देते थे, खाना खिलाते थे लोगों को, और इतना खाना जबरदस्त रहता था ना भाई साहब, लोगों के ना मुंह में पानी आ जाता था। और पानी ना भाई साहब रोकना और आना लाजमी है भाई साहब। ये देखो मैंने ये तो मिक्सर बना दिया पूरा, कढ़ी पकौड़ा, राजमा और राइस और ये बिरयानी। और बिरयानी मैम का कहना है ऑफ द कैमरा मैम ने बताया था, बिरयानी मतलब लोग ना पसंद करते थे उनके पास, बनाने के साथ जैसी जाती थी और ख़त्म हो जाती थी। स्वाद कहते हैं ना मतलब घर जैसा स्वाद है, ऑथेंटिक है, हाइजीनिक है, यमी भी है, टेस्टी भी है। और वो जो टच होता है ना टच, मतलब राजमा चावल कढ़ी चावल तो दुनिया बना रही, दुनिया खिला रही है गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में, शहरों में है ना, गांव में, पर जो यहाँ के राजमा चावल की बात है ना, ऑसम यार, 5 out of 5 है। लोकेशन एड्रेस आपको बता दिया, खाने के लिए जरूर आना, थैंक यू सो मच। किसने खाने के लिए आना हो कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है? हाँ जी, खटानी स्वीट के बिल्कुल सामने। अच्छा, खटानी स्वीट्स के बिल्कुल सामने, जहाँ पर मिलता है घर जैसे साफ सुथरा खाना। हाँ जी। और मैम आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच है।